किसी ने क्या खूब कहा है, लालच एक छोटे मुंह के साथ एक मोटा दाना है, और आप इसे जो भी खिलाते हैं वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी लालच पर आधारित है। लालच आदमी को किस हद तक पहुंचा सकता है, इस कहानी में हम सुनेंगे। शायद हमने यह कहानी कहीं ना कहीं बचपन में जरूर सुनी होगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है लालच की सीमा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठकर सोने की ईंटें और असरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूं, मेरे पास तो बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं, कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छूओगे वही सोने की हो जाएगी। उसने देवदूत की बात सुनकर रात राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बागीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। सब सोने के हो गए, सब चमचमा चमकने लगे। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा कि उसके कपड़े भी सोने के हो कर बहुत भारी हो गए हैं। वह प्यासा था, भूख भी उसे लगी थी। बागीचे से उस अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया। लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोना हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल आदि रखे थे और वह भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देखकर वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया। लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने की इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस लौटा लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, टुकड़ा रोटी भली या सोना? बताओ तो, एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े की रोटी के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ कभी नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचों के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। दोस्तों, उस राजा को तो सुधरने का मौका तो मिल गया, पर शायद हमें ना मिले। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए और आपके पास जितना है उतने में संतोष करें और सुखमय
सुख में जीवन व्यतीत करते रहे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।